12 बजने को है, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। आपको दिखाते हैं देश और दुनिया की तमाम खबरें न्यूज 50 में। मन की बात के 31वें एपिसोड में पीएम ने कहा देश में वीआईपी कल्चर की जगह ईपीआई कल्चर। मन की बात में पीएम मोदी ने कहा लाल बत्ती को लोगों को मन से निकालना जरूरी। मोदी ने कहा दुनिया को देखने और समझने से बहुत कुछ सीखने को मिलता है, युवा कुछ आउट ऑफ बॉक्स करें, देखें ट्रेन की जनरल बोगी में सफर करके देखें युवा। पीएम ने किया गर्मी का जिक्र, कहा हमें घर की छतों पर पक्षियों के लिए बर्तन में पानी और दाना रखना चाहिए, पशुओं के लिए पानी की व्यवस्था भी करनी चाहिए। पीएम ने की मन की बात में गर्मियों की छुट्टी में नई चीजें, नई भाषा सीखने की बात, नया करने की भी जरूरत है, पीएम ने संदेश दिया। मन की बात में पीएम ने श्रमिकों का भी जिक्र किया, भारत सरकार कल 1 मई को संत रामानुजाचार्य जी की स्मृति में एक डाक टिकट जारी करेगा। बस्तर के नक्सलियों पर सर्जिकल स्ट्राइक के लिए एनएसए अजीत डोवल ने संभाली कमान, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अगले हफ्ते नक्सल ऑपरेशन में लगे अफसरों के साथ करेंगे मीटिंग। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में नक्सलियों के खिलाफ राज्य पुलिस और सीआरपीएफ चलाएगी ज्वाइंट ऑपरेशन, सभी ऑपरेशन में 200 जवान होंगे शामिल। नक्सली हमले के बाद सुकमा दंतेवाड़ा में 15 दिन के लिए रोके गए निर्माण कार्य, नक्सलियों के खिलाफ होगा पूरा फोकस। अलगाववादियों ने श्रीनगर बंद की घोषणा की, कई दुकानें रही बंद, श्रीनगर में बढ़ाई गई सुरक्षा। सीएम योगी आदित्यनाथ अब से थोड़ी देर में देवरिया में दिव्यांगों को बांटेंगे उपकरण। योगी आदित्यनाथ ने आज दिन की शुरुआत गायों की सेवा से की, गौशाला में मौजूद गायों को उन्होंने खाना भी खिलाया। योगी आदित्यनाथ ने गौशाला में मौजूद कुत्ते को खाना खिलाया, उसे सहलाते हुए भी नजर आए। गोरखपुर में नौतनवा से निर्दलीय विधायक अमन मणि त्रिपाठी सीएम योगी आदित्यनाथ से मिले, अमन मणि त्रिपाठी पर पत्नी की हत्या का है आरोप। योगी सरकार में मंत्री अनिल राजभर सिक्कों से तौले गए, मंत्री बनने के बाद पहली बार पहुंचे थे मऊ। ट्रिपल तलाक पर केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू की सभी राजनीतिक पार्टियों से अपील, नकारात्मक राजनीति छोड़ निकले समाधान पर। जम्मू में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने किताब का किया विमोचन, बड़ी संख्या में बीजेपी नेता रहे मौजूद। यूपी के मेरठ में एक रिटायर्ड कर्नल के घर डीआरआई का छापा, 50,000 कारतूस पिस्टल और राइफल बरामद, 15 घंटे चली छापेमारी। रिटायर्ड कर्नल देवेंद्र कुमार के घर से 1 करोड़ की नकदी और काले हिरण के सींग और दूसरे जानवरों के मांस भी बरामद। कर्नल का बेटा प्रशांत विश्नोई नेशनल लेवल का शूटर बताया जा रहा है, अभी तक नहीं हुई कोई गिरफ्तार। एमसीडी में हार के बाद आम आदमी पार्टी में कोई टूट नहीं, दिल्ली के मंत्री कपिल मिश्रा ने कहा पार्टी पूरी तरह से एकजुट, बीजेपी फैला रही है झूठ। दिल्ली के मालवीय नगर में एक गोदाम में आग, एक की मौत और 2 लोग घायल। मुंबई के माटुंगा में स्कॉर्पियो और ट्रक के बीच जबरदस्त भिड़ंत, 9 लोग हुए घायल, बीती रात हुआ हादसा। मुंबई में टीवी कलाकार सुमित अरोड़ा के साथ लूटपाट, कार्ड और मोबाइल लेकर भाग गए बदमाश। आरएसएस के वरिष्ठ प्रचारक रमेश भाई मेहता की किताब का विमोचन, मुंबई के दीनानाथ मंगेशकर हॉल में कार्यक्रम का आयोजन। रमेश भाई मेहता की किताब के विमोचन कार्यक्रम में विशेष आमंत्रण पर पहुंचे राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुभाष चंद्रा, यूपी के राज्यपाल भी रहे मौजूद। यूपी में बिजनौर की रहने वाली महिला को साउथ अफ्रीका से फोन पर ट्रिपल तलाक, महिला ने पति के 2 भाइयों पर भी लगाया रेप करने का आरोप। यूपी के आजमगढ़ में बिना तलाक दिए पति ने रचाई तीसरी शादी, पीड़ित महिला के परिवार वाले धरने पर बैठे। यूपी के बरेली में नेशनल हाईवे पर सड़क हादसा, डिवाइडर से टकराई बस, लखीमपुर से दिल्ली जा रही थी बस। कानपुर में तेज रफ्तार टैंकर ने ई रिक्शा को टक्कर मार दी, ई रिक्शा चालक समेत 3 की मौत। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में हादसा, बारात ले जा रही जीप खाई में गिरी, 7 लोगों की मौत, 8 बाराती बुरी तरह से घायल। रांची में शादी से पहले दूल्हे ने दहेज में मांगा बाइक, लड़की ने तोड़ा रिश्ता, गांव वालों ने बनाया बंधक। मध्य प्रदेश के मुरैना में एसबीआई के एटीएम से निकाला गया 500 का नकली नोट, गांधी जी की तस्वीर गायब है इससे। एमपी के दमोह में एलपीजी गैस सिलेंडर में ब्लास्ट, एक मकान पूरी तरह से जलकर खाक, किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं। झारखंड के गुमला में विधायक के गार्ड का अपहरण, शादी करने गया था गांव। झारखंड के देवघर में महिला टीचर की लापरवाही, बच्चों का नहीं खुलवाया ज्वाइंट अकाउंट, 8 महीने से नहीं मिल रही सरकारी मदद। यूपी के अमरोहा में 101 जोड़ों का सामूहिक विवाह,
दूल्हा दुल्हन ने गंगा की सफाई की शपथ ली। देहरादून का बदला मौसम, कई इलाकों में बारिश, तेज आंधी से कई जगह गिरे पेड़। बद्रीनाथ और केदारनाथ में बर्फबारी, अगले 36 घंटे के लिए मौसम की चेतावनी जारी कर दी गई। झारखंड के देवघर में 40 साल बाद महाआरती का आयोजन, बड़ी संख्या में शामिल हुए श्रद्धालु, कोर्ट केस के बाद रोकी गई थी परंपरा। रियल एस्टेट रेगुलेटर 1 मई से शुरू करेगा काम, बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़े पर लगेगी लगाम। आईपीएल में आज दिल्ली और पंजाब की टक्कर, जीत की तलाश में दिल्ली और पंजाब। आईपीएल 10 में कोलकाता और हैदराबाद के बीच मैच आज, वार्नर और गंभीर के बल्ले के बीच होगी जंग। पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने बदला घर, अक्षय तृतीया के दिन गृह प्रवेश किया। बाहुबली 2 के बॉक्स ऑफिस पर रिलीज के पहले ही दिन सारे रिकॉर्ड तोड़ने की खबर, 51 करोड़ रुपए में बिका बाहुबली 2 का सैटेलाइट प्राइस। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का पत्रकारों के साथ डिनर से इनकार, 1981 के बाद पहली बार कोई राष्ट्रपति डिनर में नहीं हुआ शामिल। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 100 दिन के कार्यकाल को लेकर आयोजित की एक रैली, अमेरिकी मीडिया पर साधा निशान। लंदन से चीन पहुंची पहली डायरेक्ट ट्रेन, गुड्स ट्रेन ने 20 दिन में पूरा किया 12,000 किलोमीटर का सफर। अमेरिका के मिसौरी में बाढ़ ने बिगाड़े हालात, सड़क पर भरा लबालब पानी, गवर्नर ने इमरजेंसी घोषित। पेरू में किजोन फेस्टिवल की शुरुआत, हजारों लोगों ने एक साथ किया डांस।